हमारे पत्रकारों पे नाजायज मुकदमे हो रहे। मैं अपने पत्रकारों की आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता था, मगर उन्हें सुनी नहीं। मेरा गला भी फट गया रुके ताड़ते ताड़ते कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमारे पत्रकारों के लिए क्या सुविधा दे रहे हैं। हमारे पत्रकारों पे नाजायज मुकदमे हो रहे। हमारे आशीष और उसके भाई को मार दिया गया। हमने अपील की उनके माता जी से मिला जाए, उनको साबोती मुख्यमंत्री जी करें कि जो गलत पत्रकार हैं उनके चेकिंग करके उन्हें जेल भेजा जाए, और जो सही पत्रकार हैं उनको सब सिक्योरिटी या उनकी क्या नाम उसका कोई ना कोई वो, ताकि वो सही खबर चला सकें, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकें। ने आपकी बात तो सुनी, आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया। हम सब पत्रकार भाई बंधु रुक के ताड़ते रह गए, सब ने हाथ भी उठाया, पर मुख्यमंत्री जी ने कोई हमारी तरफ देखा भी तक नहीं। आगे क्या, हम लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं अपने पत्रकार भाइयों के लिए। जो पत्रकार हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि जिसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वही ताकतवर होता है। वो या तो कोई बड़ी पार्टी का नेता है या कार्यकर्ता है या किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। वो उठा के क्या करता है, SSP परिसर दे करके मुकदमा लगवा देता है। मेरे ऊपर भी क्या इनका, मैंने ऐसी भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर उछाई दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुछड़खाने बंद हैं, मगर बुछड़खाने बंद नहीं हैं। मेरठ का बुछड़खाना बंद है, शामली का बंद है, सहारनपुर का बंद है, सहारनपुर का चल रहा है, गंगो का बंद है। इन तीनों चारों का बुछड़खाने का माल सहारनपुर में कट रहा है, और उस सहारनपुर में जो बुछड़खाने की मैंने खबरें चलाई तो मेयर ने मेरे ऊपर मुकदमा करा दिया। मैंने मेयर को कहा तो अपने बच्चों का नेम कर, मैं कभी तेरे पर कोई पैसा या किसी काम के लिए आया हूँ तो वो नेम निकले कि मैं मुकदमा लगवाऊंगा और तेरी आवाज़ को रोकूंगा। मैं अपनी आवाज़ को रोकने वाला नहीं हूँ। मैं क्या इनका मेयर के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा।